गाइस अपने चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। तो राजा हमेशा यहाँ खड़े होकर ऑर्डर देते होंगे और पूरा महल का नज़ारा देखते होंगे। अगर फोटो शूट करवाएंगे तो आपको 5,000 रुपये लगेंगे, ठीक है। अगर मोबाइल से नॉर्मल फोटो, तो ये है भव्य किला जिसको आज हम वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। तो ये है हरिराव होलकर छतरी। फिर एक बार आप लोगों को दिखाने आ गया हूं मैं इंदौर की ऐतिहासिक प्लेस। 1834 के समथिंग बना था छतरी, हरिराव होलकर छतरी। तो अभी हम अंदर चलते हैं और ये सबसे पहले एंट्री होते से ये भव्य गेट। तो वेलकम गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। मुझे लगता है एकदम झकास होंगे। फिर एक बार आप लोगों के लिए आ चुका हूँ हिस्टोरिकल प्लेस पर और ये इंदौर में। तो वैसे आप लोगों को पता ही है कि बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेस है और ये एक अनोखी जगह। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये बावड़ी है, बावड़ी में पानी है। तो उस जमाने में 1800 समथिंग उस जमाने में कितना साफ पानी हुआ करता था। अभी तो मटमैला दिख रहा है। और ये यहाँ पर मैं आया हूँ, ये है हरिराव होलकर साहब की छतरी। छतरी का निर्माण हुआ था 1834 में और उससे भी पहले हुआ होगा या उसके बाद हुआ होगा। और यहाँ का जीर्णोद्धार हो चुका है, वैसे काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आप लोग अगर इंदौर में हैं और इंदौर में आप हरिराव होलकर साहब की छतरी देखना चाहते हैं, इतनी खूबसूरत जगह आना चाहते हैं, फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं और हमारे इतिहास से जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। तो आप लोग इंदौर में किसी से भी पूछ सकते हैं कि छतरीबाग जाना है तो छतरीबाग आ सकते हो और हरिराव होलकर साहब की छतरी में जाना है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो चलिए देख, पहले तो आप आते से आपको भव्य दरवाज़ा नज़र आएगा जो कि पुराने ज़माने में जब किलों में दरवाजे लगते थे मज़ा बना गया। और उस इस दरवाजे को हो चुके हैं कम से कम 3.5 साल। तो इतना पुराना दरवाज़ा, इतना भव्य दरवाज़ा और उस पर गाइस लोहे के नुकीले भालू में रहते ना वैसे लगे हुए, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए ये नुकीले लगे हुए हैं, ये सेफ्टी के लिए हमेशा लगे रहते थे। और इतनी बड़ी साकल, बाप रे बाप, 3-4-5 किलो की तो यही है, इतनी भारी, ठीक है। इतना भव्य दरवाज़ा हुआ करता था और ये जब हाथी वगैरह आते थे तो ही और राजा महाराजा आते थे तो ही ये गेट खुलता था, वरना एक छोटा सा गेट जो भी सेनाएं वगैरह रहती या कोई इंसान रहता था वो इस गेट से आ जाया करता था, छोटे गेट से। और यहाँ पर हमेशा चौकीदार रहता। और यहाँ पर आने के लिए आप लोगों को 10 रुपये की मात्र टिकट लेनी पड़ेगी। वो टिकट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसी है। तो आप लोगों को हरिराव होलकर छतरी इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, आपको मात्र 10 रुपये की ये टिकट लेनी पड़ेगी ये खूबसूरत जगह देखने के लिए। तो आप लोग ये खूबसूरत देखने जगह आइए, इंदौर आए हैं तो ये ज़रूर देखिए। और इतना अच्छा खूबसूरत गार्डन भी आप लोगों को नज़र आएगा। यहाँ पर मंदिर भी है, तो मंदिर में भी अगर पंडित जी होंगे तो इनकी जानकारी लेंगे, क्योंकि 350 वर्ष तो उसी जो गेट है उसको हो चुके हैं। ये बावड़ी दिख रही है हमको जिसके अंदर पानी है। तो पहले के जो पुराने लोग हैं वो बेकायदा इसमें नहाते भी होंगे, ठीक है, जल क्रीड़ा करते होंगे। और ये यहाँ पर पहले के ज़माने में इस पर चढ़कर पानी भी शायद निकालते थे। तो यहाँ पर पानी निकालने के लिए वो भी बना हुआ है, इससे पानी खींचते थे। वो देखो वो चक्री लगी हुई है नॉर्मल। अभी तो कबूतरों के लिए यहाँ पे दाने वगैरह रखे हुए हैं। ये नज़ारा देखने को सिर्फ और सिर्फ आपको इंदौर में ही मिलेगा। और यहाँ से स्मार्ट इंदौर सिटी आप लोगों को दिखेगी भी। और यहीं आगे इसके पास ही गणगौर घाट है, तो वो गणगौर घाट भी बहुत पुराना है, उसी ज़माने का है। घाट तो उसी ज़माने के, क्योंकि यहाँ पे सरस्वती नदी बह रही है। हालाँकि अभी वो नाले में तब्दील हो चुकी है, उसकी भी सफाई अभियान अब चालू हो चुका है उसका भी, तो शायद पहले जैसा निर्माण हो जाए। लोग यहाँ पर आते थे, स्नान करते थे, क्योंकि हर मतलब पूरे राजबाड़े तक वहाँ तक घाट बने हुए हैं। तो ये गणगौर घाट का भी हम बाद में वीडियो ज़रूर बनाएंगे। पर पहरेदार के खड़े होने के लिए वो बना हुआ है, तो वहाँ पर पहले पहरेदार खड़े रहते थे 24 घंटे। और इस तरफ भी ये जो दीवालों है उसके ऊपर भी जाने का रास्ता है, यहाँ पर भी सिपाहियों खड़े रहते थे। तो यहाँ पर इस छतरी के बारे में लिखा हुआ है कि महाराजा मल्हार राव द्वितीय के चचेरे भाई हरिराव होलकर सन 1819 में महेश्वर किले में बंदी थे।
महाराजा मल्हार राव द्वितीय के स्वर्गवास के उपरांत उन्हें 400-500 समर्थकों ने सन 1834 मुक्त करा दिया और राजा घोषित कर दिया। चूंकि सिंहासन के 3 दावेदार थे, इसलिए लॉर्ड विलियम वेंटिक ने इंदौर रेजिडेंट को लिखा कि इसमें तटस्थ नीति अपनाई जाए। कार्रवाई रेजिडेंट ने हरिराव को सत्ता संभालने के लिए आमंत्रित करने की सलाह दी और 17 अप्रैल 1834 में कृष्णाबाई की सहमति से उनका राज्य अभिषेक हुआ। कुछ समय बाद हरिराव के महल पर आक्रमण किया, परंतु विद्रोहियों को पराजय मिली। हरिराव होलकर इस षड्यंत्र से भयभीत हो गए, अपने को महल तक सीमित कर लिया। कुप्रशासन और व्यवस्था के कारण उनका स्वास्थ्य निरंतर गिरने लगा। बीमारी के कारण 26 अक्टूबर 1843 को उनका स्वर्गवास हो गया। उनका जन्म 1795 को हुआ था, युवावस्था में ही स्वर्गवास हो गया था। इसी क्षत्रिय को उनके द्वारा उनके कार्यकाल के समय ही निर्माण कराया गया था। स्वर्गवास के पश्चात परकोटे में दहन पश्चात सपत्नी प्रतिमा स्थापित की गई। इस प्रकार छत्री आज भी अपने अतीत की गाथा के स्तंभ स्थापित है। इस परिसर में तात्याजोग की छत्री भी स्थित है। इनका नाम भी विठल राव कीबे था। 1811 में मेजर जनरल मालकम के साथ महिदपुर की लड़ाई के पश्चात मंदसौर संधि पत्र पर हस्ताक्षर कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी कारण से इसकी कुशलता से होलकर राजवंश इंदौर में रियासत के रूप में शासन करने में सक्षम रहे। इधर भी एक गेट है और गेट के ही सामने जस्ट मंदिर बना हुआ है महादेव का। और हम महादेव के मंदिर में प्रस्थान करने से पहले हम चलते हैं ऊपर, जहां पर सैनिक गण रहते थे। और यहां पर भी भोले बाबा की प्रतिमा है और यहां पर तुलसी जी भी हैं। चलिए ऊपर भी चलते हैं हम वहाँ पर, और यहाँ से कान्हा नदी के दर्शन होते हैं, जो कि अभी नाले में तब्दील हो चुकी है। और वो वहाँ पर जो जगह दिख रही है आपको गोल घेरे में, वहाँ पर शायद तोप वगैरह रखा करते थे, ठीक है। वहाँ पर सैनिक वगैरह भी रहते थे और यहाँ से राजा वगैरह आते थे और यहाँ से रानियाँ वगैरह। खूबसूरत पेंटिंग है और छोटी छोटी खिड़कियाँ बनी हुई है, हालाँकि खिड़कियाँ जो वो रहती है जो दिखती है आर पार दिखता है, बट ये एक बड़ा सा जो गेट बना हुआ है, ठीक है, ये बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ से रानियाँ हमेशा देखा करती थी, वातावरण पूरा देखती थी रानियाँ। और यहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं भी आती थी, जो कि अभी नाले में तब्दील हो चुकी है। ये सरस्वती नदी, कान्हा नदी भी कई लोग कहते हैं, ये पूरा का पूरा वैसा ही बना हुआ है, काफी खूबसूरत है। तो गाइस आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं और तो ये पूरी जगह ऐसी ही है। यहाँ पर हर पहरेदार भी आते होंगे और पहरेदार भी यहाँ पर पहरा देते होंगे कि कोई इधर से ना जाए। और सामने मंदिर भी हमें नजर आ रहा है बजरंगबली का, ये भी शायद प्राचीन मंदिर होगा। तो ये जो बिल्डिंग वगैरह नहीं हुआ करती थी पहले तो पूरा जंगल ही था। तो यहाँ से ऊपर खड़े होकर यहाँ से शायद राजबाड़े का महल भी दिखता होगा। बट ये पूरा जो बना हुआ है, ये पूरे काले पत्थर का बना हुआ है और कुछ रेड पत्थर का भी बना हुआ है ना। बट ये आज भी मजबूत है गाइस, है ना, आज भी मजबूत है। और आप यहाँ पर आ सकते हैं, ऊपर तक भी आ सकते हैं आज, हालांकि अभी शाम का समय है और शाम के समय में अलाव नहीं है ऊपर आना, है ना। और यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर तोप रखी जाती होगी और यहाँ से बाकायदा देखते रहेंगे। और वो मंदिर भी, वो तो मंदिर शायद अभी का ही है, लक्ष्मी नारायण नरसिंह मंदिर है। बट यहाँ पर सैनिक चारों तरफ खड़े होंगे और राजा हमेशा यहाँ खड़े होकर ऑर्डर देते होंगे और पूरा महल का नज़ारा देखते होंगे। आ चुके हैं और दोनों तरफ पहरेदारों की भी प्रतिमाएं बनी हुई है दोनों के तरफ। और हम जैसे ही हम आए हैं गेट से अंदर आते हैं तो ये फुवारा बना हुआ है जो कि अभी टूट चुका है, है ना, पहले ऐसा ही बना हुआ करता था। और अब चलते हैं हम मंदिर की ओर। मंदिर के ओर अंदर जाने से पहले देखिए यहाँ पर एक शायद कमल का फूल है और उसके अंदर कुछ शिशु खेल रहे हैं या भगवान की प्रतिमा या किसी चीज़ की प्रतिमा बनाई गई, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है।
हाँ, इसकी जो डिज़ाइन है ना, इसकी थोड़ी सी अलग डिज़ाइन है। और यहाँ पर कुछ ये भगवान की प्रतिमा है, क्योंकि इतने सारे हाथ हैं। एक भगवान की प्रतिमा है, किसी माता जी की प्रतिमा नहीं है, क्योंकि मूछ वगैरह बनी हुई है। और यहाँ पर राइट साइड में पहरेदार हमेशा खड़े रहते हैं, पहरेदार की तो ये प्रतिमाएं बने रहती हैं। और चलते हैं मंदिर की तरफ, और ये है महादेव का मंदिर, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। बहुत सुंदर। और ये जो मंदिर है, ये लाल पत्थर का बना हुआ है। ये मंडप बना हुआ है पूरा, और ये 1843 में मंदिर बना था, मतलब 200 साल से भी ऊपर हो चुका है इस मंदिर को भी। ये उसी जमाने की पिंडी है महादेव की। ये हरिराव होलकर की प्रतिमा, जो कि संगमरमर की बनी हुई है, और राइट साइड में रानियां हैं। बहुत ही खूबसूरत। और ऐसे पहले से खिड़कियां बना दिया करती थी, जो कि कुछ सामान वगैरह रखने के लिए। ये पहले के ज़माने कुछ अलाव वगैरह यहाँ पर जलाया करते थे इसके अंदर शायद, या घंटी वगैरह हुआ करती थी। बट ये कुछ अलाव लालटेन जैसा ही है कुछ ये। तो गाइस, ये जो मंदिर है बहुत पुराना मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। तो आप लोग यहाँ पर दर्शन करने आ सकते हैं, और हमारी ऐतिहासिक इंदौर के इतिहास को अगर जानना है तो आपको ये जगह भी आपको आकर घूमनी चाहिए। देखिए, राजा कैमरे की तरफ देख रहे हैं, है ना। तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। ये दीवार पर कृष्ण भगवान की प्रतिमाएं बनी हुई हैं, दोनों तरफ कुछ प्रतिमाएं बनी हैं, और नंदी भगवान है। और इधर वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है प्रतिमाएं, ठीक है, वाह। भोले बाबा की प्रतिमाएं नीचे, और सर्प है नीचे उनके, और उनके उनने फिर उठा के रखा है, फिर कृष्ण भगवान बैठे हैं। बहुत ही अद्भुत। और यहाँ पर गज भी है, हाथी है, और हाथी के ऊपर भी राजा महाराजा बैठे हुए हैं। और यहाँ से भी नज़ारा देखा जा सकता है, पीछे की तरफ से भी मंदिर के, और वो गेट दिख रहा है ऊपर से, पहरेदार भी दिखते हैं। बहुत अच्छा है, और शायद यहाँ पे भी गुफा वगैरह बनाई गई हो। और इधर है घोड़े पे सवार पाँव, उधर हाथी है, और इधर घोड़ा, और इधर रथ है। तो इस तरफ भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, और देखते हैं। और ये पिल्लर जो बना हुआ है, ये काफ़ी अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, ये छोटे छोटे जो बने हुए हैं, जो कि महादेव का है। इंदौर में महादेव के बहुत सारे मंदिर स्थापित हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये भी एक मंदिर है, जो कि ब्लैक पत्थर से बना हुआ है, काले पत्थरों से बना हुआ है, और ये भी महादेव का मंदिर है। हर हर महादेव, मेरे प्रभु। और ये मंदिर भी गर्भगृह में बना हुआ है, और नंदी भगवान, हर हर महादेव। ये पिंडी भी उसी समय की, उसी जमाने की, और राजा की प्रतिमा भी बनी हुई है। तो हर जगह इंदौर में आपको भोले बाबा के बहुत सारे मंदिर नजर आएंगे, छोटे छोटे मंदिर भी, पुराने मंदिर भी, प्राचीन चीज़ें, और भी ऐतिहासिक चीज़ें हमारे इंदौर में हैं, जो कि मैं वीडियो बनाऊंगा और उन जगहों के बारे में भी बात करेंगे। बट अभी ये जो इतनी खूबसूरत जो जगह है, ये हरिराव होलकर साहब की छतरी है, तो आप लोग ये घूमने आ सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये न्यू निर्माण बिल्कुल नहीं है, ये उसी ज़माने के
मंदिर बनाए गए हैं इस छतरी में। आती हुई पेंटिंग्स भी, प्रतिमाएं भी बनी हुई है छोटी छोटी, जो दीवार पर आप लोगों को सामने दिख रही है। ये बहुत ही खूबसूरत और ये दृश्य भी दिख रहा है, नृत्य करते हुए, रास करते हुए कृष्ण भगवान बीच में बांसुरी बजा रहे हैं, आइट साइड में गोपियाँ भी है और शायद गरबे खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है। और इधर राम भगवान का भी है, और इधर देखिए राम भगवान, हनुमान जी है, राम भगवान है, सीता मैया है, लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है, वाह, और महर्षि है, और गणेश जी की प्रतिमा है, क्या बात है। ये चीज़ें काफ़ी लुभाने वाली है। और यहाँ पर शेषनाग के ऊपर कृष्ण भगवान है जो बांसुरी बजा रहे हैं। तो गाइस बाकायदा आप ऐतिहासिक जगह घूमना चाहते हैं तो आप हरिराव होलकर छतरी भी आ सकते हैं, देख सकते हैं, इतना खूबसूरत जगह है ना। और बाकी हालांकि हमें यहाँ पर कोई मिला नहीं, हालांकि बाहर से व्यक्ति आए हैं तो देखने के लिए जो आसपास रहते हैं, शायद कहीं दूर से भी लोग देखने आते हैं, बट हमें पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ पे कोई बताने वाला बिल्कुल नहीं मिला। और यहाँ ऊपर हम ऐसे वैसे हम जा सकते हैं यहाँ पर ऊपर भी, और जो भी जैसे कि जो पहरेदार वगैरह हुआ करते थे वो वहाँ से देख रेख करते थे हमेशा, चौकीदार जी भी रहते हैं और जो कि देखभाल करते हैं यहाँ पर। और ये सुबह सुबह कितने बजे खुलता है, सुबह 7 बजे, तो सुबह 7 बजे ये ओपन हो जाता है और इसका बंद होने का समय है शाम को 6 बजे। और इसके अंदर आने का टिकट है 10 रुपये का टिकट है जो कि यहीं से मिलता है, और ऑनलाइन पेमेंट भी पहले हुआ करता था बट अब नहीं होता है। अच्छा तो अभी ख़राब है, तो ऑनलाइन पेमेंट भी यहाँ पर होता है, 10 रुपये की टिकट है मात्र अंदर आने के लिए। और ये शाम को 6 बज, अभी शाम की 6 बज चुके हैं तो हमारा जाने का समय हो चुका है, बट हमें यहाँ पर कोई बताने वाला नहीं मिला है हिस्ट्री इसकी। और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, और गुम्बद जो बने हुए हैं उस पर भी प्रतिमाएं बनी हुई है। मुझे ये काफी आकर्षित कर रहा है, ये जो बावड़ी बनी हुई है ना, ये बहुत ही अच्छी तरीके से बनी हुई है। और वहाँ से पहले पानी निकाला करते थे, बट ये सीढ़ा सीढ़ा वगैरह बनी हुई थी तो यहाँ बकायदा नहाने भी आते थे। और ये इतना बड़ा गेट, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट होता है ये कि भीम UPI। तो हमने पूरी छतरी का वीडियो बना लिया है और अब हमारा जाने का समय भी हो चुका है, और हम अब निकल रहे हैं इस छोटे से गेट से जो कि हमने अभी देखा था। मैंने जैसे कि आपको जिक्र किया था इस गेट का भी, जो कि बहुत भव्य गेट है, और यहाँ से हमेशा राजा महाराजा निकलते थे, हाथियाँ निकलती थी, और ये बाहर जो सैनिक हमेशा निगरानी करते थे पूरे इंदौर की। और ये जो दीवारें आप लोगों को दिख रही है ना, ये जो बनी हुई है, यहाँ पर भी सैनिक वगैरह खड़े रहते हैं, और वहाँ पर जो बना हुआ है गोल घेरा, वहाँ पर हमेशा कुछ तोपें रखा हुआ करती थी उस समय। और ये अभी सरकार के अंडर में है, और यहाँ पर बहुत बड़ी जगह है, तो आप लोग बकायदा तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखना, और फिर हम नई लोकेशन पर नई ऐतिहासिक जगह हम चलेंगे और देखेंगे। तो जब तक गाइस बाय, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं, और आप लोग इंदौर आइए तो हरिराव छतरी ज़रूर देखने आइए। तो चलिए बाय।